नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हार्दिक पटेल सेक्स सीडी कांड पर कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष मनीष शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह बीजेपी नेताओं की सुनियोजित चाल है, जो गंदी राजनीति कर गुजरात की बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले आज 19 नवंबर है। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश के पूर्व बड़ा प्रधान, जिनको हम लोग दुर्गा माँ के रूप में जानते हैं, सांसद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात का इकरार किया हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी आज 19 नवंबर पे उनकी 100वीं यानी कि 100वीं यानी कि शताब्दी पूरी होती है उनके जन्मदिन के। इस महान दिन के पर्व में मैं आप सब लोगों को खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। मेरी ओर से, मेरे कांग्रेस की ओर से, मेरे भाई बहनों की ओर से, संपूर्ण देशवासियों को आपको अभिनंदन। देखिए, पाटीदार समाज को जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के पाटीदार समाज में, भाइयों बहनों में, बच्चे तक में बहुत सारा आक्रोश भरा हुआ है। हार्दिक कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हार्दिक का प्रभाव पाटीदार के ऊपर से घटाने के लिए, कम करने के वास्ते ये उनके खाली पैंतरे हैं। सीढ़ी आपने अगर ध्यान से देखी है तो वो हार्दिक होना भी मेरी समझ में या मान्यता में नहीं आता, जिसका विरोध और जिसका इनकार हार्दिक पटेल भी कर चुके हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये हार्दिक पटेल की सीढ़ी है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम इस सीढ़ी के जरिए इतना घटिया पॉलिटिक्स करके हमारे गुजरात के भाइयों की, बहनों की और बेटियों की इज्जत की खुलेआम लीलामी करके इतने नीचे मत गिरिए। हार्दिक कांग्रेस के साथ आ रहे, कहीं इस द्वेषवश बीजेपी ये चाल नहीं चल रही? जी, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक के साथ में जो हमारे हाईकमांड की मीटिंग ये हुई है, हो रही है, एका दिन में कुछ जाकर के फाइनल होना है, उसके डर से बोखला के भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का गंदा खेल खेल रही है। मनीष जी, आपका एक और कहना है, जीएसटी का मतलब गुजरात सेविंग टैक्स, किस रूप में आप इसको गुजरात सेविंग टैक्स कर रहे हैं? क्या जीएसटी घटाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है जो गुजरात चुनाव को लेकर? नहीं, हमेशा कोई चीज को बड़े पैमाने पे से अनोखे तरीके से लोगों के सामने लाना, ये हमारे सम्माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक स्टाइल रही हुई है। जो भी वो करते हैं, जैसे पहली बार कर रहे हैं, जो भी वो करते हैं एक अनोखी स्टाइल में कर रहे हैं, ये उनका एक अंदाज सा रहा है। तो उन्होंने जब जीएसटी लागू करने की सोची तो ये सोचा कि कांग्रेस ने 17 साल पहले जो स्कीम में काम करके 14-18% के बीच में जीएसटी लाना चाहिए, इस तरीके का जो प्रस्ताव रखा था उसको बाईपास करते हुए अपना एक अनोखा अंदाज सबके सामने, एक अलग से नज़रिया सबके सामने डालते हुए, पेश करते हुए, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उसका 28% बिना सोचे समझे, कोई भी पूर्व तैयारी किए बिना, फिनांस मिनिस्टरों के अधिकारियों की, फाइनेंस मिनिस्टरों की और अच्छे और जाने माने अर्थशास्त्रियों की जरा भी एडवाइस नहीं लेते हुए उन्होंने डायरेक्ट ये 28% की जीएसटी लगाई। और इसमें जो रोजी रोटी को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्योगों को, खेडूतों को, इत्यादि लोगों को जब नुकसान पहुंचने लगा, तभी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और उनको ये समझ में आया कि 28% जो जीएसटी लगाई है वो नहीं लगानी चाहिए। इलेक्शन में वैसे भी उनकी हालत पतली है, गुजरात विकास मॉडल की जो उनकी पोल है वो खुल चुकी है, लोग सही कहते हैं विकास गांडू थयो छे। तो इस बात से डर के, इस बात को समझते हुए बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी हार्दिक की सीढ़ी और पॉलिटिशियनों में तोड़जोड़ करना, अलग पार्टियों से विधानसभाओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना और आखिर में जीएसटी कम करना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीएसटी कम करना वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात
सेविंग टैक्स के हिसाब से मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं, और आपको भी विनंती करता हूँ हाथ जोड़ करके थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। मनीष जी, 130 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है गुजरात में, क्या मानते हैं एज ए आप एक राजनेता के रूप में, कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे राज रहा है, इलेक्शन दर इलेक्शन उनकी सीटें कम होती गई है। ज्यादा दूर नहीं जाते हुए अपने 2012 में जब मोदी की लहर चरम सीमा पे थी, तब जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने 116 सीटें निकाली थी, जो वक्तो वक्त 2007 या 2008 के इलेक्शन से भी कम थी। आज उन्होंने जो 116 सीटें निकाली थी, तो सीटें बढ़ने का सवाल पैदा इसके लिए नहीं होता क्यों वर्तमान परिस्थिति में लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, खेडूतों को अपने रेट्स नहीं मिलना नक्की किए हुए, पाटीदार समाज पे हुआ अन्याय, ठाकुर समाज में, क्षत्रिय समाज में, ओबीसी दलित भाई बहनों पे हुआ अन्याय, सारे लोग आंदोलन के रास्ते लगे हुए हैं। आपने कल शायद पढ़ा होगा, हमारे गुजरात के सम्माननीय सीएम श्री विजय रूपाणी ने प्रजापति समाज को यहाँ तक बोल दिया कि आप तो परचूरन समाज है, आपके समाज के कोई प्रतिनिधि को हम लोग टिकट नहीं देंगे। प्रजापति समाज तक नाराज हो गया है, रोड पे उतर आया है, आंदोलन कर रहा है, और यहाँ तक मैंने सुना कि उन्होंने एक पुतला बना करके विजय रूपाणी साहब का दहन किया उनका रोड के ऊपर। मेरा ये बोलना है कि इतने विरोध के बाद मोदी लहर में 2012 में जो 116 सीट निकाल सके थे, क्या आपको लगता है कि अब के बार में 50 सीट से ऊपर वो लोग जा सकते हैं? 130 का दावा मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। गुजरात मॉडल की बात करती है बीजेपी जी, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे राज्यों के नेताओं का वहां पे बुला के प्रचार के लिए सहारा लिया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये भी एक आश्चर्य, मोदी साहब उनके रोल मॉडल रहे हैं। कोई भी स्टेट में अगर इलेक्शन जीतना है तो माननीय सम्माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रूप में जाते हैं और अपना जीत का झंडा आज तक लहराते आए हैं। इलेक्शन जीतने के लिए साम दंड और भेद जो भी नीति उनको अपनानी पड़े, उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, परहेज नहीं किया। आज वर्तमान परिस्थिति देखिए, उनके स्टेट में, उनके होम ग्राउंड पे, उनकी होम पिच पे जब इलेक्शन है, उनको योगी जी, सिंधिया जी राजस्थान के सम्माननीय सीएम इत्यादि नेताओं का सहारा लेके उनको बुला के उनके पास से रोड शो कराना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा सम्माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना विश्वास, अपनी को कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा भी अभी दाव पे लगी हुई है, और जिसमें झांकप यानी कि कमी आई है।